आप देखोगे तो ये पूरे कैनवस प्रिंट रेडी हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। मशीन जो काम करती है एकदम फ्लेक्स की तरह काम करती है, बट इसके जो फीचर्स हैं वो फ्लेक्स से और ज़्यादा अपग्रेडेड होते हैं, इंक जो होती है वो सुपीरियर होती है। और यहाँ पर जैसे हम खड़े होकर इसको प्रिंट करते हैं तो बिल्कुल भी वो जो एक स्मेल आती है ना, वो स्मेल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं अमन ओझा HOM डेकोर से आज आ गए हैं एक और नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ। और इस ब्लॉग में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ क्रिस्टल वाली जो पेंटिंग्स है वो हमारे पास अभी लेटेस्ट आई है और हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की अपनी स्टार्ट कर दी है। इसी के साथ जो ग्लास प्लेट वाले रोल है और इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है सिर्फ HOM डेकोर में। जैसे पीछे आप कस्टमाइज देख रहे हैं, कस्टमाइज काफ़ी सारे प्रिंट्स है जो आज हम लोग प्रिंट करेंगे। आज प्रोसीजर आपको दिखाने वाले कस्टमाइज वॉलपेपर, कैसे कस्टमाइज वॉलपेपर बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसीजर रहता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर मिलते हैं आपको इंटीरियर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन। हाँ जी शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज क्या काम होने वाला है, क्या क्या रूटीन है? अच्छा, चार्जिंग पे लगा रहे हैं आप वॉकी टॉकी? चलो। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग, टी शर्ट में आ गए आप, गर्मी आज स्टार्ट हो गई है, कॉल आ रहा है, कॉल पिक करो। हाँ जी भाऊजी, कैसे हैं आप? तो यहाँ मिलता है आपको HOM डेकोर और ये हमारी जो टी शर्ट है प्रिंट्स होके आ चुकी है। यहाँ पार्टी का माल पैक किया जा रहा है, कौन सी, जमशेदपुर रिंकू भैया? हाँ जी सर, कैसे हैं आप? कटिंग वटिंग करा करके बढ़िया, मतलब स्मार्ट से बन गए हो आप, अच्छा बनना पड़ता है स्मार्ट। अच्छा, आज कितने प्रिंट्स हमारे पास? 6 to 7 प्रिंट्स, मतलब कि पूरे दिन चलने वाली है। और चल आज कस्टमर्स को हम पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे। जैसे हम लोग कस्टमाइज वॉलपेपर को प्रिंट करते हैं, जो आपके सुंदर सुंदर जो दीवारें हैं ना, जो जबरदस्त दीवारें आपकी, वो कैसे हमारे यहाँ से प्रिंट होकर के जाती है, तो आज पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं, आज हम पूरा आपको मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से कस्टमाइज वॉलपेपर बनाया जाता है, जो अभी हमारे पीछे देख रहे हैं ये सारे कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें आज आपको दिखाने वाले हैं। ये वाले रोल्स क्यों निकाले हैं फिर? ये लेस करने। अच्छा, ये लेस करने हमें, ये कौन से, किसी क्लाइंट के गए हैं? अच्छा चलो ठीक है। ये रिंकू भैया से कंफर्म कर लिया था ना, उन्हीं का माल है ना पक्का, और बाकी के दो रोल अभी आने हैं। ठीक है गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से आपके जो रोल्स है वो पैक होकर के हमारे यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग इस तरीके एक बॉक्स बना लेते हैं, 42 इंचेस वाला कोरियन जंबो रोल है ये, यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे। और आप देख सकते हैं पैकेजिंग कितनी अच्छी होती है, ताकि इसके कॉर्नर जो है वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, अच्छे से पैक करके दिया जाता है। यहाँ पर आप अपने रोल्स का लॉट नंबर और शेड नंबर चेक कर सकते हैं। सचिन एक काम करियो, ये जो जमशेदपुर वाला मटेरियल आया ना, ये वाले रोल भी इसके अंदर ही पैक कर दो, बॉक्स पूरे है, सब कुछ चेक करो ना ग्रुप में, एक बार ये दिक्कत है तो बताना, सारा चेक कर लो एक बार। आप देख सकते हैं हमारा जो पेस्टिंग ग्लू है ये पाउडर वाला बेस्ड है, इसी के अंदर हमारे पास दाने वाले पेस्टिंग ग्लू भी आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन रेडी करी जा रही है प्रिंट के लिए। यहाँ अभी हम कोरल के ऊपर डिजाइन करेंगे उस प्रिंट को। और क्या है ये खत्म कुछ नॉन वुमन का सारे खत्म है, निकाल करके रखे हैं, ये किस चीज के है, क्या है वो, सारी वेस्टेज है, सारी वेस्टेज निकाली है। तो उसको वेस्टेज चीज को जिस कस्टमर के पास जाता है रैप करो रोल को ऊपर से, इसी में कहाँ जा रहा है, गन फ्रेम में क्यों लगा रहे हो इसको, जो नॉर्मल रोल जा रहे हैं इसको पैक करो, उसको पैक करो, उसको उसमें भी ऊपर से एक लेयर इसकी भी लगा दो, दोनों लेयर लगा करके फिर भेजो, उससे क्या पैकिंग और अच्छी रहेगी, खराब नहीं होगा मटेरियल। ये क्या फ्रेम है, अच्छा गन भी पड़ी हुई है, छोटी हुई है ये, लाइट जलती है यहाँ पे? नहीं लाइट नहीं जलती। एक काम करो, ये दरवाजा मेरे कैबिन खुलवा करके इसको दरवाजे पे शिफ्ट कराओ, पूरे कैबिन को, इतने रोल इतनी ढीले टूटी हुई है, इसको ठीक करो सारे मटेरियल को। ये देखो यहाँ पे भी सारा माल यहाँ ख़राब हो रहा है, ये इसको मैनेज करो बिल्कुल ठीक, पैकिंग करके वेलवेट वाले जितने भी रोल थे सारे ठीक करो। ये आप लोग भी हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके पास इस तरह के रोल्स हो ना, और अगर पैकिंग ढंग से नहीं हो रही है या उस रोल के अंदर जैसे जो कॉर्नर्स हैं अगर वो आपके ख़राब हो जाते हैं, तो यार वो मटेरियल ना पूरा ख़राब हो जाता है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके रोल्स हैं उनके जो कॉर्नर्स अच्छे से रैप हो और उस पर डस्ट ना जाए। मशीन स्टार्ट हो चुकी है, रन ले रही है, इसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये किन का निकाल रहे माल, फ़र्क है इसमें, क्या फ़र्क है? तो पैटर्न नंबर चेक करो, लॉट नंबर चेक करो,
रख के क्यों देख रहे हो, लॉट नंबर चेक करो सबके। अगर भी आप वॉलपेपर का काम कर रहे हो तो हमेशा आपने इस तरीके से चेक करना है, जैसे कि ये आइटम नंबर तो आपस में चेक करेंगे या मैच करेंगे या बैच नंबर आपस में मैच करेंगे, बट ये लॉट नंबर मैच करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 1210 और यहाँ पर है 1203-4, तो इसका मतलब ये डिज़ाइन सेम है बट इनके कलर के अंदर वेरिएशन होगा। उसमें क्या लिखा हुआ दिखा, तो ये खोल करके चेक करना पड़ेगा एक बार। तो इसीलिए हम लोग ना रिटर्न और एक्सचेंज नहीं करते, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे ये वाला सेम लॉट आया, अब इसका माल हमारे पास 10 दिन बाद रिटर्न आ रहा है तो अगला लॉट नंबर चालू हो जाता है आना, और उसके चक्कर में क्या होता है रोल्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है, और ये डिफरेंस ही बाद में शिकायत का काम क्रिएट करता है जिससे हमें दिक्कत होती है। जब वॉल पेपर एक वॉल पे लग जाता है तो एक डिज़ाइन अलग नज़र आता है, एक का कलर अलग नज़र आता है, मतलब डिज़ाइन एक जैसे रहते हैं कलर में वेरिएशन आ जाते हैं। जब कभी भी जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो नए इस बिज़नेस से जुड़े हैं, उनको भी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरीके से अपने रोल्स को आप चेक करिए, और रिटर्न और एक्सचेंज वाला काम है ना यार वो मत करा करिए, उससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है स्टॉक भी इन्वेंट्री को भी मेंटेन करने में, और ये जो डिज़ाइंस के जो वेरिएशंस आते हैं ना इनको भी ठीक करने में। यहाँ आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन को हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ साइजेस डालेंगे, साइज के साथ ऑटोमेटिक पिक्चर एडजस्ट हो जाएगी, वो नॉन वुड पे प्रिंट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो जो परसेंटेज है वो कम्प्लीट हो रहा है, 21-25 हो गया है, और जैसे ही 100 होगा फिर यहाँ से कमांड चली जाएगी मशीन पर और फिर प्रिंट हो जाएगा हमारा स्टार्ट। अभी हम इस प्रिंट को कर रहे हैं, नॉन वुड का प्रिंट हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी इस प्रिंट की। जितने भी कस्टमर्स कस्टमाइज हमसे प्रिंट कराते हैं ना, तो आप लगा के चलिए 99% कस्टमर का जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है, और लगभग हर ही बंदा हम लोगों से खुश है आज के डेट में कस्टमाइज पेपर को जब भी वो प्रिंट करा रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है ना उसी पर हम खड़े उतरते हैं और उसी चीज़ को हम प्रिंट करके आपको देते हैं, तो क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है जिन भी कस्टमर्स ने अभी तक हमसे कस्टमाइज वॉल पेपर लिया है। हाँ आप देखोगे तो ये पूरे कैनवस प्रिंट रेडी हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, मशीन जो काम करती है एकदम फ्लेक्स की तरह काम करती है, बट इसके जो फीचर्स हैं वो फ्लेक्स से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड होते हैं, इंक जो होती है बहुत सुपीरियर होती है, और यहाँ पर जैसे हम खड़े होकर इसको प्रिंट करते हैं तो बिल्कुल भी वो जो एक स्मेल आती है ना वो स्मेल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं मल्टीपल कलर्स इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, ये इंक है जिससे इसको लिया जाता है, और इंक्स की मदद से ये सारे के सारे जो कलर्स है वो यहाँ पर क्रिएट होते हैं। यहाँ आप देखेंगे इस तरह की इमेज का ना आपको बिल्कुल ऐसा फील आएगा कि जैसे आपने फैब्रिक के ऊपर इसको प्रिंट कराया है, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ ये पेपर ही है बट इसका जो ऑयल पेंट का जो लुक है, जो कैनवस जो हम देखते हैं जैसे कैनवस प्रिंट होता है उसका बेसिकली लुक इस तरीके होता है कि आपको लगने वाला है कि आप फैब्रिक के ऊपर सारा प्रिंट करा रहे हैं। देखिए भाई मैं आपको प्रिंट दिखा देता हूँ कितना निकल चुका है, एक बार आप भी देख सकते हो क्योंकि हाफ जो इमेज है ना वो क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर। एक चीज ना आप लोग देख सकते हैं, ये जो फॉर्म बेस्ड कलेक्शन है ना ये आपको मिलती है सिर्फ हमारे ही स्टोर पर, और ये देख सकते हैं इतना ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट है कि यह फॉर्मिंग देख सकते हैं जो ये उभार है ना ये वॉलपेपर के अंदर सबसे प्रीमियम है, इससे ऊपर चीज कुछ भी नहीं आती। अगर आपने वॉलपेपर अपनी वॉल्स पर लगा लिया, एक बार लगाने के बाद आपके घर पे जो भी आएगा ना बार बार पूछेगा भाई ये चीज कहाँ से लगवाई है। कहाँ लेकर के जा रहे हैं इसको? नीचे पैकिंग के लिए। और ये क्या है? बेल एंड टू फ्रॉम HOAM डेकोर। अच्छा इस तरीके से जाता है सारा माल यहाँ से, बढ़िया। आराम से चलिए, गिर मत जाइयो। यार इतना ज़्यादा यहाँ गंदगी फैलने लग गई ना, ये देखो पूरा रास्ता आने जाने का ब्लॉक हो चुका है। निखिल रोल्स पैक, ये लो टू फ्रॉम और बिल। यहाँ आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रिंट शो हमारा चालू है, और ये जो प्रिंट है वो आप यहाँ देख पाएंगे, क्यों कर रहे हैं ना प्रिंट, ये देखो ये वाली पिक्चर है, जॉब हमारी कंप्लीट कितने परसेंट हो चुकी है, 63% ये कंप्लीट हो चुका है, और लगभग 37-38% प्रिंट निकलेगा, और एक नीचे आप ये सारे प्रिंट्स देख सकते हैं, ये देखिए आप ये सारे प्रिंट्स यहाँ पर निकल चुके हैं, मॉडर्न आर्ट है बहुत ही ज़बरदस्त।